अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग ब्लॉगर पर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल क्रोम पर चले जाना है। सही, यहाँ पे आप लोगों को अपना साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे मैंने भी साइन इन किया, मतलब अपना जीमेल अकाउंट आप लोगों को बना लेना है। सही है, तो यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है ब्लॉगर। सही, यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉगर सर्च करना है और आप लोग कर देना है इंटर। सही, आप लोग जैसे ही इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास इस तरह की फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सही है, तो आप लोगों को करना है इसके ऊपर क्लिक। इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग के पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। सही है, तो यहाँ पर जो है हम करेंगे, यहाँ पे साइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट है ब्लॉग के ऊपर। आप लोगों को बता दूँ, ब्लॉगर के ऊपर आप किसी भी तरह की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, आप लोग फूड के लिए या कोई भी आपका बिजनेस हो, आप उसके लिए आराम से बना सकते हैं। सही, तो आप लोग क्रिएट है योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह का एक वो खुल जाएगा कि आप लोग चूज़ अकाउंट, यानी किस अकाउंट के ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने अपने ये साइन इन किया हुआ है तो मैं इसी से बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप कोई और चाहते हैं तो आप यूज़ अदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। सही, और यहाँ पे इस तरह से ईमेल डालें और यहाँ पे फिर आप साइन इन करके उस पर बना सकते हैं। लेकिन मैं अभी ये जो हमारा है इसी के ऊपर मैं बनाता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ वहाँ पे जो है मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का एक पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपके बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं, दो नोटिफिकेशन, आप इसको आराम से पढ़ लें। यहाँ पे फिर आपको करना है चूज़ योर नेम फॉर योर ब्लॉगर। यहाँ पे मैं ब्लॉगर का नेम कर देता हूँ लेविश। सही, यहाँ पे मैं लेविश का नाम रख लेता हूँ। सही है, और यहाँ पे फिर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। सही, उसके बाद फिर ये मांगे चूज़ योर URL फॉर ब्लॉगर, मतलब ब्लॉगर का आपका एड्रेस क्या हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेविश फूड, और लेकिन लिखा हुआ है नीचे लेविश फूड में .blogspot.com करना था, लेकिन नीचे लिखा हुआ है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये इनके पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोई और रखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लाता हूँ 12, तो अब लिखा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, मतलब आपके पास अगर नहीं लिखा आप परेशान मत होगा, आप कोई भी एक्स्ट्रा लेटर ऐड करेंगे तो फिर ये आपका ब्लॉग एड्रेस भी चल जाएगा। सही, तो इसके बाद आप लोगों को करना है नेक्स्ट ऊपर क्लिक। नेक्स्ट ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा चूज़ योर डिस्प्ले नेम। तो आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले नेम लिखना है। यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले नेम कर देता हूँ लेविश कर दिया मैंने। यहाँ पे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। सारा प्रीवियस मतलब देख सकते हैं आप लोग, सही क्या प्रीवियस हमने क्या डाला। सही, नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर दें। डिस्प्ले नेम वापस से मैं डालता हूँ लेविश से, और फिनिश के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे फिनिशिंग के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आ गया डिस्प्ले नेम अपडेट और ब्लॉग क्रिएटेड, मतलब आपका ब्लॉग बन चुका है। सही है, तो यहाँ पे जो है मेरा ये पूरा आ चुका है, ब्लॉग मेरा यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा है व्यू ब्लॉगर ब्लॉग्स, तो यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग बन चुका है। आप इसके आराम से थीम भी चेंज कर सकते हैं। अभी इसके बहुत सारे पेजेस होंगे, अभी इसकी बहुत सारी सेटिंग होनी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा, यानी ये पूरा आपका डैशबोर्ड है। अभी मैंने व्यू ब्लॉगर के ऊपर क्लिक करके मैंने एक व्यू आया है, तो यहाँ पे 1 व्यूज आ गया। सही है, यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड है पूरा इस तरह से। यहाँ पे आप यहीं से आप एड्स की सेटिंग आएंगे, यहीं पे आप लोगों को कमेंट आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को व्यूज़ वगैरह सब पता चलेंगे, और यहीं पे आप अपनी थीम को चेंज करेंगे। तो यहाँ से ही हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं, या इसको हम गूगल एडसन से भी कनेक्ट करेंगे। सही है, तो ये सारी हमारी सेटिंग थी, ब्लॉग पूरा तैयार हो चुका है। और मैं आप लोगों को साथ ही बता दूं कि ये आज हमने ब्लॉग बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ब्लॉगर की थीम कैसे बना सकते हैं। मतलब अभी तो हमारी जो थीम है वो इस तरह की एक बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इसकी थीम भी हमें अभी चेंज करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे पेज बनेंगे अभी, वो हम लोग बनाएंगे। पोस्ट करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसकी कुछ सेटिंग होंगी अभी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी ये सारी चीज़ें बाकी हैं, आज ये मैं आप लोगों को बता दी कि आप लोग ब्लॉगर अपना कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इसके ऊपर इसकी थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स वहाँ मैं आप लोगों को बहुत सारी बताने वाला हूँ ब्लॉगर की। इसके ऊपर आप लोगों को पोस्ट करने का तरीका बहुत कुछ इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।